हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल्स टीवी 18। सो आज हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी बर्फ़ देखने। और अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे हूँ मसूरी, धनौल्टी का रास्ता लगाई हूँ। बहुत ठंडा हो रहा है और व्यू देखो आप लोग यहाँ से, क्या बढ़िया व्यू दिख रहा है। और दिक्कत यह है कि आज धूप है, बर्फ़ पड़ी थी कल, अब देखते हैं आज अभी आपको आगे बर्फ़ मिलती है कि नहीं मिलती। तो चलो चलते हैं, फिर देखते हैं बर्फ़ है कि नहीं आगे। देखो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी बर्फ़ के पास। इसको देख के आपको पता लग सकता है कितना ठंडा हो रहा है यहाँ पे, शॉल शूल पहन के। ब्लाउज दिखाओ, हवा चल रही बड़ी भयंकर, अब बस थोड़ा ही दूर हट भाई, बर्फ दिखा दिया वहाँ रह गए। सुरकंडा जाना था, बर्फ तो पड़ी है लेकिन रास्ता इतना खराब हो रहा है कि चल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। टू व्हीलर में तो पैदल पैदल जाना पड़ रहा है हम लोगों को, पीछे कम है बर्फ आगे ज्यादा है। ये हो गया रास्ते के हाल, लोगों ने सबने ही नहीं अपनी अपनी गाड़ियां ही खड़ी कर रखी है। तो भाई लोगों देखो, पीछे रास्ता बहुत खराब है, अब आगे तो जा नहीं सकते हम लोग, वापिस जा रहे हैं पीछे। पीछे बहुत बर्फ पड़ी है। ओए आयुष, आयुष इधर बताओ मेरी ऑडियंस को कितनी बर्फ पड़ी है पीछे। भाई इतनी ऑडियंस पड़ी ना है, बर्फ पड़ी ना, ये देखो ये अबे गाड़ियां तो खड़ी है, पैदल ही चलना है क्या? और लेके चलते हैं ना यहीं से भाई, कोई पीछे ही वहीं कूदेंगे। आरुण भाई निकाल रहा हूं अपनी, मन्नू को ले लूंगा व्लॉग में, दिप्पो देखिए जरा, मन्नू को ले लूंगा व्लॉग में। चलो ओए व्लॉग बना रहा है। तो भाई लोगों देखो, आ गए फाइनली, इतना कीचड़ कुचड़े में घूम के जूतों की भी ऐसी तैसी हो गई। जल्दी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, ये वहाँ से बर्फ बर्फ की गोलाबारी हो रही है। आइए फाड़ता हूँ इनकी, रुक जाए थोड़ा, वो दोनों आके नहीं लगे हुए यार, वो दोनों आके नहीं लगे हुए। चल यार, चलो भाई स्टार्ट करो तुम अपना। थोड़ी कम हो गई अब बर्फ, कम हो गई क्योंकि 5 तारीख तो गिरी थी बर्फ और अब तो धूप थी सुबह से, यहाँ तो बहुत तेज, इतनी ज़्यादा नहीं है बर्फ लेकिन फिर भी वक्त चौधरी जा रही है। वही सोरेन ब्लॉक से आगे अबे वहाँ उसके ऊपर पे, अरे उधर भी पड़ी ऊपर तक बर्फ ही बर्फ, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। मन्नू इसको पकड़ियो, मन्नू इसके इस पर फेंकना, इस पर बर्फ फेंकना। और ये और गोलाबारी इधर पकड़ियो, मैं भी थोड़ा कैमरामैन रमेश के साथ राहुल। और
ये देखो गाइस कैसे मस्ती मार रहे हो, देखो सोरेन ब्लॉग्स ये देखो। अरे भागा जा रहा। और वो देखो उनको मेरे मेरे दोस्तों को आ गए मूड। वो देखो इन्हें आगे साले बर्फ में मूड है। राहुल सीवी 18 वाले जितने भी फॉलोवर्स है सोरेन ब्लॉग्स को भी फॉलो करे। अभी अभी मिले हमको ये यहाँ पे न्यू कोलैबोरेशन गाइस। अभी हम गुनगुन हम नदीम सर, नदीम सर मुझे बनने तो हट जाओ अपने कैमरे में, तुम तो राजा तू भी एक साथ बना देना गाइस। अभी हम निकले जरा रूम से, फिर जा रहे हम मंसूरी, मंसूरी से आवाज धन उल्टी धन तो बोल हम गए गाइस। ये बोले हम भी पत्थर आ गए, ओ पत्थर निकाल लेते हैं कल्याण पुटना वाला गाइस। अब खाएंगे हम न्यारी, फिर जा रहे बिरयानी खाने, फिर लाल चलते हैं। बहुत ज़्यादा वरी इसलिए एक्टिंग को काटना पड़ेगा मुझे बीच में। चलो चल आगे चलते हैं बंदू, चल इसको बंद करना कैमरे को, आगे का नज़ारा बाद में दिखाता हूँ लोगों। अब क्या फोटो फोटो खींच तो भाई अभी करते हैं कंटिन्यू। अभी पहले हम थोड़ी फोटोस वोटोज खींचते हैं, मस्ती मारते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे वापस। धूप आ रही है और बर्फ मिल गई है काफ़ी है, बैंक का सुबह से जैसा मौसम था बर्फ़ मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। तो चलो अभी हम थोड़ा एंजॉय करते हैं बर्फ़ में, फोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू व्लॉग को। देखो बर्फ बर्फ ही बर्फ बर्फ ही बर्फ देगा तुम्हारा भाई आज बर्फ़ में। और मेरे साथ है आज एक पुनीत सुपरस्टार हमारे मोहल्ले का। ओए मन्नो पुनीत सुपरस्टार चल साले मोहल्ले की। ये देखो गाइस यार बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। अब तो पिघल चुकी है काफ़ी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं बर्फ़ का। इतनी भीड़ आ रही है, आगे तो जा नहीं पाए, आगे रास्ता ख़राब था उधर जाने के लिए, इसलिए हम लोग यहीं रुक गए। यहाँ पे कम है बर्फ़, बर्फ़ है लेकिन कम है। फिर भी अभी फ़ोटो शूट चल रहा है इनका मेरे दोस्तों का। अभी तक अभी हमने खाना भी नहीं खाया और इनको किसी को भूख भी नहीं लग रही है। उधर मत जा, इधर हो जा, फिसलन हो रही है फिर भी। अभी हम लोग जब मतलब 5 तारीख को तो मैं आ नहीं पाया क्योंकि उस दिन बर्फ़ पड़ रही थी और कुछ पर्सनल रीज़न था और मैं आ नहीं पाया। और भाई आराम से ब्लॉग भी बना दो। तो फिर आज आया हूँ, आज इन लोगों को लेके आया मैं अपने दोस्तों को। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं है नहीं है पिघल गई होगी, लेकिन मेरे को पता था कि पड़ी है क्योंकि 5 तारीख को बर्फ़ पड़ी थी क्या इधर। अरे ये खेल खेला खेल चल रहा है, बर्फ़ का खेल चल रहा है। कंटिन्यू कंटिन्यू देख। देखो खेला। अरे आयुष आयुष कैसा लग रहा है तुम्हें पहली बार बर्फ में आके? पहली बार बर्फ देख रहा हूँ, मैंने फ्रीज में देखी थी पहली बार। तो आज बहुत इमोशनल मोमेंट है आयुष के लिए। और एक ये तो अभी बिहार से आया साला बिहारी होगी। चलो यार ठंडा बहुत है भाई, बर्फ़ देखने के लिए आया था लेकिन ठंडा बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा।
चले अब उठाई नहीं किया। तो गाइस बहुत खेल लिया अब हम लोग बर्फ में, अब लग चुका है ठंडा। अब चलते हैं, अब घर की तरफ चलते हैं, कुछ खाते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं घर, फिर कर देंगे ब्लॉग को खत्म। तो चलो चलते हैं। तो बहुत खेल लिया गाइस बर्फ में, मजा आया। हाँ भाई मेरा दोस्त भी हरकत करता, मजा आया बर्फ में। पहली बार बर्फ देखी, तुझे कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। इधर 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 बर्फ, कैमरा मैन इधर, तुम कैमरा मैन बताते क्यों नहीं हो, फोकस मारे ढंग से। तुम्हें कैमरा मैन मारा था इसलिए थोड़ी। पहली बार तुम्हें बर्फ देख के कैसा लगा अपने दर्शकों को आप बता सकते हैं, और अगला बिजनेस पॉडकास्ट मतलब कब करने वाले हो आप? पिछली बार जिसने पॉडकास्ट करा था सबसे बड़े बिजनेस मैन का देहरादून के। कट कट कट। आज बहुत हो गया बर्फ से खेलना और ठंडा लग चुका है आपको बहुत। अब चलते हैं कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं घर। कितना खाएगा सुबह से? खाई ना, कहाँ खाया भाई? क्या खाया सुबह से? खाना ना खाया तो नाश्ता करा था, खाना खाएंगे। तो गाइस हो गया बर्फ का खेल खत्म, देख लिया हम लोगों ने बर्फ। आए थे यहाँ, हमें जाना था, थोड़ा पास आया कैमरा में, हम लोगों को जाना था सुरगंडा देवी। रास्ता इतना ख़राब था, वहाँ बीच में ऐसा रास्ता और होगा, बहुत गाड़ियाँ चल रही थी उसमें वीडियो में देखना। तो वहाँ जाना था, वहाँ का प्लान कैंसिल हुआ, फिर यहीं आ गए। और यहाँ पे भी ठीक ठाक बर्फ है, इतनी भी नहीं है पर ठीक है। ऊपर से आज धूप निकल रही है, स्नोफॉल तो हो नहीं रहा है। अगर मौसम सही होता, स्नोफॉल हो रहा होता तो और मज़ा आता। तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे, और आप लोग ज़रूर आओ स्नोफॉल देखने के लिए। जैसी मौसम बारिश में होएगा तो यहाँ पे स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, तो आप लोग ज़रूर आना स्नोफॉल देखने के लिए। और मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी आओ, बर्फ़ पड़ी है इन्जॉय करो मस्त, क्योंकि बहुत टाइम बाद बर्फ़ पड़ी है। इस साल जनवरी के लास्ट में, एक तारीख से बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया था यहाँ पे, फरवरी की एक तारीख से। मतलब बर्फ़ का ऐसा सीन है कि जनवरी में पड़ के ख़त्म भी हो जाती है, फरवरी में तो इतनी पड़ती भी नहीं है, लेकिन अब पड़ रही है फरवरी में। तो आओ आप लोग भी इन्जॉय करो, अपनी फैमिली के साथ आओ और मज़े लो इस जगह के, धनौल टी के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बाय बाय।